Hello guys, subscribe to Rapcon and press the bell icon. Hello guys, before starting this video, let me tell you something that if you are a content creator or new rapper, new artist, and you are picking up the good content, then I am here to promote your work like this, the video which you are watching now. So let's go. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रैप कान। तो गाइस, एक ट्रैक है बेजुबा की बातें। तो द आर्टिस्ट इज फ्रॉम नागालैंड दीमापुर, जिन्होंने अपना ट्रैक भेजा है। मैंने बस 10-20 सेकंड सुना, मेरे को काफ़ी अच्छी वाइब आई। एंड वीडियो जो इन्होंने यूज़ की है, एक अलग टाइप की, मतलब एनिमेशन टाइप की वीडियो समझ लीजिए, या पिक्चर्स का यूज़ करके जो वीडियो इन्होंने डिस्प्ले किया, मेरे को बहुत मस्त वाइब आई। तो चलिए इस पर रिएक्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है ट्रैक। So guys, here we go. Okay. ट्रैक इज लिट ट्रैक मैन, मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है। एंड जो इन्होंने सिचुएशन दिखाई है ना, ये पूरा हर जगह होता है ऐसा। जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं उनको सब मार देते हैं, आप देखे होंगे किसी डॉग के पैर टूटे पड़े हैं, कुछ सब इतना एनिमल क्रुएल्टी हो रही है ना आजकल, बता नहीं सकते। दास्ता है उन बेजुबानों की जो रहते सड़क पे, और COVID-19 पैंडेमिक बनाया अब वो चलता हुआ सड़क, एक नड़क है ये फर्क इंसानों में और उन बेजुबानों में, जो कभी अपना दुख बयां ना कर सके। हम इंसान है अपना पेट पाल लेते, पर उनका क्या हाल होता जो भूखे पेट मरते सड़कों पे। हम क्यों लेते इन बातों को हल्के में, वो करते रखवाली बिना एक्सपेक्टेशन के, पर रहता एक ही आस की पूरी हो उनकी प्यास, नहीं चाहिए उनको ऐसा खाना जिसमें हो भरपूर स्वाद, कोई तो सुन ले उनके आवाज, क्योंकि हम है वो जिसने लाया ये वायरस, शुरू हुआ ये क्राइसिस, क्यों ये बेजुबान जानवर भर रहे हैं प्राइसेस। ये बात उस रात थी जब मैंने देखा उस अपाहिज को लड़ते हुए, जैसे सालों से उसको खाने की आस थी, शायद जब मैंने दिया अपना बचा हुआ खाना उसकी बुझी प्यास थी। Wow. अब सुनो उनकी दास्तां, अगर होते उनके जुबान भी। Around midnight, I'll be howling at the moon, scratching at your back door. Will you let me in your room? 'Cause I'm a stray dog. Hungry all the time, I got a bad bite, worse than my barks, 'cause long time ago somebody broke my heart, so can you love me and not throw me apart? Do you remember once we had a picture together in a social media site? Now I'm a stray dog, I'm on the loose, I got nobody, feel like I'm of no use, surviving in the street, but I stayed away and okay, just can't keep me. And so guys, जो अभी कोरोना का टाइम है, पेंडेमिक के टाइम था, सब लोग लॉकडाउन था, उस वक्त में डॉग्स को बहुत, मेरे हिसाब से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी, क्योंकि वहाँ पे तो पहले क्या होता था कि स्ट्रीट्स खुली रहे, लोग जाते थे, एटलीस्ट कुछ थ्रो कर देते थे, खाने का सामान अपना नहीं पसंद आता था फेंक देते थे, तो वहाँ उस पर वो लोग फीड कर लेते थे। लेकिन मुझे लगता है पेंडेमिक के टाइम में इन पर बहुत बुरा असर पड़ा हुआ होगा। Anyway, and if not accepted, just have a request to make that really give me a bit of what's left out from a meal every day.
ये कहानी नहीं दिल की बातें, उन बेजुबा की बातें। सो गाइस, दैट वाज द ट्रैक। आर्टिस्ट का नाम क्या है देखना पड़ेगा। द आर्टिस्ट आर बी डी वी द फैक्स बार। यहाँ पे आर्टिस्ट का नाम क्या है। ओके, द वोकल बाय बी डी वी। आई थिंक बी डी वी अपना नाम इन्होंने बी डी वी रखा है या ग्रुप है क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। बहुत एक बेहतर मैसेज इन्होंने डिस्प्ले करने की कोशिश की है। ऐसे कंटेंट बहुत कम लोग ही बना रहे हैं आजकल। सब लोग जो हिप हॉप की बात कर लो या रैप कल्चर की बात कर लो, सब क्लीम के जंग में लगे पड़े हैं। बट द रियल कंटेंट इज दिस वन विच डिस्प्ले अ मैसेज। तो मुझे एक मैसेज बेहतर सोसाइटी के लिए, बेहतर हर टाइप के जानवरों के लिए, इंसान हो जानवर हो, मुझे बहुत पसंद आया इनका एक ट्रैक बी डी वी का। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अ बिग शाउट आउट टू बी डी वी। सो दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो।